हेलो फ्रेंड्स, शिमला के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और पहाड़ों से घिरा ये शहर प्राकृतिक सुंदरता का भी प्रतीक है, और इसी सुंदरता का आनंद लेने हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। लेकिन इसी सुंदरता के बीच यहाँ एक खौफनाक जगह मौजूद है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ शिमला में मौजूद भूतिया टनल की, जिसे टनल नंबर 33 और कर्नल बैरो टनल भी कहा जाता है। साल 1898 में शिमला से कालका के बीच रेलवे लाइंस का काम बहुत ही तेजी से चल रहा था, और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे लाइंस के बीच बीच में टनल्स होता है, और ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ आया। इस रेलवे लाइंस के बीच एक पहाड़ आ रहा था जो कि 1 किलोमीटर लंबा था, तो रेलवे लाइन के दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए इस पहाड़ के अंदर से टनल बनाया जाना था। तो हालांकि पहाड़ी इलाकों में टनल्स बनाना आसान नहीं होता, तो इंग्लैंड के इंजीनियर्स को बुलाया गया था इस टनल को बनाने के लिए, और इस टनल को कम से कम समय और कम से कम खर्चे में बनाने का जिम्मा दिया गया कर्नल बैरोक को। तो हालांकि कर्नल बैरोक के ऊपर समय का दबाव था, तो इन्होंने टनल बनाने का काम दोनों एंड से शुरू किया, और इनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों एंड बीच में जाकर मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ मिसकैलकुलेशन के कारण इस टनल का अलाइनमेंट गलत हो गया था, और टनल दोनों एंड से नहीं मिल पाया, और इसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो चुका था। इसीलिए कर्नल बैरोक को गवर्नमेंट से बहुत कुछ सुनना पड़ा, और इन पे फाइन भी लगा दिया गया, जिसके कारण ये डिप्रेशन में चले गए थे। और एक दिन ये इसी रेलवे स्टेशन के पास जाकर इन्होंने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली, और फिर इनके डेड बॉडी को वहीं पे दफना दिया गया था। और फिर इसके बाद दूसरे इंजीनियर्स के निगरानी में इस टनल को 1903 में कंप्लीट करा गया। हालांकि ये टनल इस रूट का 33वां टनल था, तो इसका नाम टनल नंबर 33 पढ़ना तो कॉमन ही था, लेकिन इसके अलावे गवर्नमेंट ने कर्नल बैरोक के सम्मान में इस टनल का एक और भी नाम दिया, बैरोक टनल। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि आज भी इतने साल बाद इस टनल में लोगों को पैरानॉर्मल चीजें फील होती है, और वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि इस टनल में से अक्सर चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, और वहाँ के लोगों के हिसाब से ये कहा जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कर्नल बैरोक का ही आत्मा है, जिनका की मौत समय से पहले हो गया था, और आज भी इनकी आत्मा अशांत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहें।